नहीं बट आई थिंक इवॉल्व होते रहें, इवॉल्व एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. गुप्ता जी से पहले आई वॉज डूइंग व्हाट आई वॉज डूइंग, आप लोग सब जानते हैं, आई वॉज बिहाइंड द कैमरा राइटिंग डायरेक्टिंग. और देन आफ्टर दैट बिग बॉस हैपेंड एंड आफ्टर बिग बॉस एस ऑफ स्पेस हैपेंड विच डिड वेरी वेरी वेल फॉर मी एंड नाउ खतरो इज हैपनिंग एंड नाउ पंचबीट इज हैपेंड अगेन बैक टू राइटिंग बैक टू प्रोड्यूसिंग. सो मेरा ये चलता रहता है एज एन आर्टिस्ट. आई लाइक टू टेल स्टोरीज, कहीं भी तो बताओ कैसे भी बताओ, पर हर कहानी आपको बताती है किस तरह से वो बताना चाहती है अपने आप को. सो इफ यू कैन काइंड ऑफ फाइंड दैट यू हिट अ होम रन. ओके फाइन. सिंटा ने एक्टफेस्ट फेस्टिवल जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, जिस तरीके से एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर म्यूजिशियंस कॉमेडियंस हर किसी को मौका मिला अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है? इन्हें बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी, यू नो. एंड आई ऑलवेज से दैट आर्ट कैन नॉट बी अ स्टैंड अलोन सिचुएशन इन अ मीडिया फील्ड बिकॉज इट्स कोलैबोरेटिव एफर्ट. जब सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ आते हैं तभी मैजिक होता है. मतलब अगर अभी कोई बोले कि पंचबीच बिकम सच अ बिग हिट बिकॉज उसको लिखा मैंने है या डायरेक्ट सुरेश ने किया है या उसमें हर्षिता और प्रियांक है, नहीं, जब सब लोग एक साथ आते हैं तो खाना अच्छा बनता है. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब एक साथ आने की कोशिश तो करें. एंड आई थिंक दिस वे वाइल बाय सिंटा डूइंग एन एक्ट फेस्ट इट व्हाट इट डज इज इट गेट्स एवरी डिपार्टमेंट टू कम क्लोजर टू गेट टू नो ईच अदर अ लिटिल बिट मोर एंड काइंड ऑफ अंडरस्टैंड बिकॉज कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे से बिना चल नहीं सकता है ना. विदाउट एक्टर्स यू कैन हैव अ मेकअप, विदाउट मेकअप यू कैन नॉट हैव एक्टर्स. Similarly, without a DOP, a director can't happen, a director can't happen, or cannot happen without a DOP, vice versa. So I think every single department has to come closer to create and tell stories magically that our viewers like. Because abhi jo session aap attend karte hain, usme aise kya seekhne wali baat hai meri jo logon se aap. See, I'll tell you, I have not attended too many sessions because I was just launching a show. Edits pe mere din raat gaye hain kuch 2 hafte. अभी मैं बाहर निकला हूँ एंड आई एम नॉट फील टू वेल टुडे बट आई एम होपिंग माई सेशन टर्न्स आउट बी एक्साइटिंग और जो हम लोग सब मिलकर डिस्कस करेंगे इट बिकम्स फ्रूटफुल फॉर एनीवन हु वॉचेस इट. ओके, आपकी किसी से लड़ाई चल रही थी इन दिनों टीवी के एक्टर से, कसौटी में अभी वो मेन लीड कर रहे हैं, सुनने में ऐसा आ रहा है आप लोगों की फिर से फ्रेंडशिप हो गई है? ये आप सालों पुरानी बात कर रहे हैं. इस बात को कुछ आई थिंक 1 साल होने को आ गया है तो बहुत पुरानी बात है. फ्रेंडशिप नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं कि जब कोई आपसे अपने आप आकर बोलता है कि आई मेड अ मिस्टेक, यू हैव टू ऑल्सो मूव अहेड इन लाइफ. अब कब तक हेट्रेड का ऐसा बोरा लेके घूमते रह गया. आई एम वेरी हैप्पी, इज डूइंग वेरी वेल, कसौटी इज डूइंग सो एक्सट्रीमली वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. किसके बारे में? जिस तरीके से हाँ मैंने ना ट्वीट किया था और मैं ट्वीट करते वक्त समझ नहीं आता मैं क्या लिखूँ उसमें, क्योंकि हम यही कर पाते. आई थिंक आई वॉज वेरी एंग्री एंड आई सेड द ओनली थिंग वी कैन डू इज ट्वीट एंड देन आई थिंक आफ्टर 4-5 आवर्स आई फिगर्ड एवरी वन इज ट्वीटिंग, एवरी वन इज ऑल्सो पोस्टिंग. हम पोस्ट और ट्वीट करके भी ना एटलीस्ट स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं एंड आई थिंक विद ओपिनियंस जो कि कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, देयर ओपिनियंस कैन चेंज बिकॉज अ लॉट ऑफ वॉइस कैन बी हर्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर साइड that we do as much as we can, raise our voice and become a good human being, yeah, because become a good Indian, do what that we can do for our country, because at least that's what we can give in return to the people who are actually dying for us. Ab logon ka bhi sab ka baal kitta hua hai, dekha hai to bhai log protest kar rahe hain railway pe, iske liye kya kehna chahiye? See, har kisi ka apna tarika hota hai karne ka. Main violence mein believe nahi karta hu, but I think no, when things come down to this level where people will lose life, people will go ahead and go through such turmoil, I think you have to take steps. And I think I am not the right person to say hame kya karna chahiye because I am not the general of the army here, but they will know what is the right thing to do. Thank you. Isne to bhai mera phone naya laake the arvind ji chal raha hai. मैं सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जिस तरीके से एक्टर्स को ऑर्गेनाइज किया गया है सिंटा की तरफ से, कितना बेनिफिशियल है एक्टर्स के लिए?
आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ये फेस्टिवल का होना, क्योंकि इतने सालों से इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने सारे एक्टर्स काम करते हैं लेकिन कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे साथ में नहीं आए. सो दिस वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एक्टर्स टू कम टुगेदर, शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. देयर इज सो मच दैट वी कैन लर्न फ्रॉम आर सीनियर्स, देयर इज सो मच दैट वी कैन टेल आर जूनियर्स, एंड आई थिंक this has been a great great initiative for all the actors to come together. Normally aisa bola jata hai ki do actors ki aapas mein nahi padti ya do actors ek stage pe nahi khada hona chahte, but Cintaa ne ye kar dikhaya aur itne sare actors ne aake different different subject pe apne experience ko share kiya, and this has been a great learning experience for me also. Okay, अभी आप session attend करके आए, अगर आपसे पूछा जानना चाहें कि आपने क्या सीखा या कितना beneficial रहा आपके लिए? क्या होता है कि एक्टर्स थोड़े से सेल्फ कंज्यूम्ड होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं, बट एक स्टेज पे जब आप बाकी एक्टर्स के साथ बैठते हैं और आप उनकी जर्नी को सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस को सुनते हैं, तो समझ में आता है कि कितना कुछ हम एक जैसा जीवन जीते हैं, एंड दैट समवॉट गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑल्सो, दैट समवॉट गिव्स यू द अश्योरेंस ऑल्सो कि सब एक ही तरह का सफ़र तय कर रहे हैं, एंड इट्स ब्यूटिफुल टू नो कि आपके फेलो एक्टर्स क्या सोचते हैं, उनकी किस तरह की एट वर्क या अदरवाइज किस तरह की जिंदगी रही है. सो आई गॉट टू लर्न सो मच अबाउट द लवली लवली पैनलिस्ट दैट वर हियर, एंड आई थिंक वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक Cintaa फॉर कॉलिंग मी हियर एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. जिस तरह से पुलवामा में अटैक हुआ है हमारे शहीदों, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही देश के सभी नागरिकों की तरह आई एम डीपली सैडन, एंड क्या कह सकती हूँ, मैं तो बहुत अपने आप को छोटा महसूस करती हूँ कि मेरी श्रद्धांजलि भी उन शहीदों के परिवार तक पहुँच जाए. आई जस्ट होप दैट जस्टिस किसी तरह होना चाहिए, एंड आई trust our government that whatever they do will take care of that. Thank you.